नमस्कार, एक्झोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर नीपा शाह। नीपा जी, आपनू स्वागत छे, आपका मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले टी खुशाल भाई ज्वेलर की ओर से और एक्जोटिक परिवार की ओर से आपको विश्व महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। नीपा जी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, बट पहले नीपा जी स्वागत करती हूँ आपका। और आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, साथ में नीपा जी फेलोशिप इन लाइफस्टाइल डिजीज़ के होम्योपैथिक डॉक्टर है, साथ में वो रिलेशनशिप पे काउंसिलिंग पर भी करती है, साथ में वो कैनियो सेक्रल थेरापिस्ट भी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इनके जो एक्सपर्ट है वो गर्भ संस्कार के एक्सपर्ट है। वो शायद मैंने ऐसे कहा जाए तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस पे गर्भ संस्कार पे एक्सपर्ट होते हैं। और ये हमारी सूरत की डॉक्टर नीपा शाह, जिनकी मास्टरी है गर्भ संस्कार में और साथ में वो आर्ट ऑफ लिविंग में भी फैकल्टी है। तो नीपा जी, फिर से स्वागत करती हूँ आपका। और आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और जितनी आपकी जो डेसिग्नेशन आपने बताई थी, तो इसी हिसाब से मैं आपको पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले आप जब होम्योपैथिक डॉक्टर हुई, आपकी शुरुआत कैसे हुई और किस क्या आपको होम्योपैथिक डॉक्टर ही क्यों आपने चुना? क्योंकि आजकल बहुत सारे डिग्रीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स की काफ़ी डेजिग्नेशंस होती है, तो आपने होम्योपैथी क्यों चुना? मैंने 96 में होम्योपैथी में एडमिशन लिया था और बेसिकली मुझे कुछ तो हीलिंग पहले से ऐसा था कि हीलिंग की फील्ड में मुझे जाना है, तो उस टाइम पे ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा कि एक तो मीठी गोली रहती है और इमरजेंसी कम रहती है जी। तब ये मेरा सोचना था जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी नहीं होती है, इमरजेंसी होती है और उसे बहुत अच्छे से होम्योपैथी से रिजल्ट भी मिलते हैं जी 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 जी। और इस हिसाब से मैं होम्योपैथी में गई और फिर जैसे 2001 में मेरा कंप्लीट हुआ और देन आफ्टर मैंने स्टार्ट किया मेरा होम्योपैथिक क्लिनिक, एक्सक्लूसिव होम्योपैथिक। और फिर बस एक के बाद एक आगे बढ़ते गए उसमें। पहले तो मेरा DHMS था, फिर MP में से मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी में से मैंने BHMS किया। और जो हमारे होम्योपैथी में मास्टर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी है मुंबई में, वहाँ से मैंने फेलोशिप कंप्लीट किया 2016 में। और उसके अंदर जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसमें कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें जो रहती है जो अपने लाइफस्टाइल के उसके साथ कनेक्टेड है, वो सारे डिजीज़ यहाँ पे मैं ट्रीट करती हूँ। H+ होम्योपैथिक वे मेरे क्लिनिक का नाम है, अडाजन में है जी। और साथ साथ में काफ़ी सालों से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई हूँ 2003 से, तो बस वही जर्नी है मेरी। और उसी में कुछ ना कुछ हम थोड़ा सेवा का भी काम करते रहते हैं जी 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 जी। आपकी लाइफ जर्नी के बारे में आपने बताया, लेकिन जो आप एक्सपर्ट है गर्भ संस्कार की, जो एक्सपर्ट है, तो वो आप कैसे करते हैं गर्भ संस्कार, कैसे करते हैं आप? एग्जैक्टली, गर्भ संस्कार में 1-to-1 जैसे बोल सकती हूँ कि ईच एंड एवरी पर्सन इंडिविजुअल है जी। जैसे हमारी थंब प्रिंट किसी और से मैच नहीं होती है, सेम वे कोई भी पर्सन जो है उसको एक तरीके से हम ट्रीट नहीं कर सकते। दिस इज़ माई ओपिनियन। और उसके बेसिस के ऊपर जो गर्भ संस्कार है वो मेरा खुद का अलग थिंकिंग है, उस हिसाब से मैं करती हूँ। उसमें एक ट्रीटमेंट भी रहता है जो क्रेनियोसेक्रल थेरापी बोलते हैं जी, वो रहता है। अभी जो मैं गर्भ संस्कार करती हूँ वो एवरी मंथ के बेसिस पे रहता है, जैसे अगर प्रेगनेंसी सेट हो ही गई है तो उस हिसाब से एवरी मंथ मेरा कुछ सजेशन रहता है अकॉर्डिंग टू नेचर, जैसे जो लेडी है उसका खुद का नेचर कैसा है उस हिसाब से मेरा सजेशंस रहता है जी। कॉमन सजेशन नहीं होते हैं सबको। और अनदर थिंग
कि ये ट्रीटमेंट के बेनिफिट क्या हैं, क्रेनियोसेक्रल थेरापी जो मैं देती हूँ उससे जो छोटे छोटे जॉइंट्स रहते हैं लोअर बैक में मदर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो एक तो रुक जाएंगे, अनदर थिंग जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एट द टाइम ऑफ लेबर पेन वो इतना ज़्यादा पेन नहीं रहेगा उनको, और विथ लेस पेन नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है या जो भी बोल सकते हैं कि सेशंस रहते हैं तो वो इतने डीप और थरा रहते हैं जिसमें लेडी प्रेग्नेंट लेडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करती है जिससे उसका माइंडसेट मूड स्विंग्स वो सारा ऑलमोस्ट नील हो जाता है। और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग का सेशन, जैसे कहीं ना कहीं फैमिली में कोई इश्यू चल रहा होता है तो विद दैट काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं। अनदर थिंग कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको होम्योपैथिक दवाई भी मैं देती हूँ। इन शॉर्ट गोल यही रहता है कि कम से कम दिक्कत में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाली प्रेगनेंसी रहे और जो बच्चा आए वो सोसाइटी को कुछ दे सके ऐसी कैपेसिटी हो उसमें, तो ये गोल बहुत ही बड़ा है। और ये गोल मेरे गुरुजी परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का जो विज़न है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि अभी सोसाइटी को ऐसे सोल की ज़रूरत है जो कुछ चेंज कर सके सोसाइटी में आने के बाद। और आजकल हम देखते हैं कि टीनेजर्स बच्चे कैसे हैं, उनका गोल क्या रहता है, नो डाउट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो कुछ थोड़ा सा हम कुछ ऐसा करें, कुछ हेल्प करें मदर्स को, तो उससे थोड़ा तो सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। तो ये आपने मतलब ये इसकी ट्रेनिंग भी शायद ली होगी आपने, तो ये कैसे ली और किस तरह से ली? ये जो थेरापी है वो पहले आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से मैंने सीखा। उस टाइम पे कुछ तो मुझे बैक पेन का इश्यू था और मैंने ये सेशन लिया और विद इन वन सेशन, एक ही सेशन में मुझे 70% से ज़्यादा रिलीफ हो गया था। तो इट वाज मिरेकल फॉर मी कि इतना इजीली इतना जल्दी से कैसे हो सकता है। और वही क्यूरियोसिटी के साथ मैंने ये सीखा ट्रीटमेंट कि मुझे भी किसी को हेल्प करना है और मैंने सीखा। फिर वो सीखते सीखते ही ये कुछ ध्यान में आया, कुछ मेरे ऐसे एक्सपीरियंस रहे जिसमें मुझे लगा कि अगर मैं खुद ये सेशन लेके मेडिटेशन के डीप स्टेज में जा सकती हूँ तो क्यों नहीं ये प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाए जिससे बच्चा और माँ दोनों को एक साथ मिले। तो ये कुछ ऐसा मन में आया। फिर अपने जो भी वेदास हैं, मतलब मेरे पास जितने भी अवेलेबल सोर्सेस हैं उसका मैंने उपयोग किया और फिर ये कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जिससे हम गर्भ संस्कार के माध्यम से बहुत लोगों तक कुछ अच्छा चीज़ पहुंचा पाए। जी, मतलब एक तरह से आप समाज के लिए कुछ करना चाहती थी और आपने ये कर दिखाया। और तो मैं एक और बात भी पूछना चाहूँगी कि अभी तक कितने लोगों के आपने गर्भ संस्कार किए हैं? गर्भ संस्कार अभी तक ऐसे मान के चलो 2013 से मैंने शायद शुरू किया है और अब तक 30-40 इतने लोगों ने बेनिफिट लिया है। और जितने भी बच्चे हैं, अगर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सभी बच्चे स्मार्ट हैं लेकिन वो ग्रुप होता है और ग्रुप में वो बच्चा अगर रहेगा जो गर्भ संस्कार का ट्रेनिंग उसकी मदर ने लिया है तो पहले आपका अटेंशन वही लेगा। वाह, पूरे क्या बात है, क्या बात कुछ है? तो ऐसी क्वालिटीज उसके अंदर रहती है जो रेगुलर बच्चों से कुछ अपलिफ्टेड या डिफरेंट आपको महसूस होगा। उसके साथ आप बात करोगे या खेलोगे, एक मैच्योरिटी का लेवल जो रहता है और उनका गोल और फोकस वो भी थोड़ा डिफरेंट ही रहता है। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि उनका जो पहले 2 साल तक का उनका जो ग्रोथ रहता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है दूसरे बच्चों की कंपेयर में। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कि बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छी बात है कि अभी के जनरेशन में बहुत ही ज़रूरी है कि
बच्चा एक्सपर्ट हो, नहीं तो मम्मी को टेंशन हो जाती है कि कंपटीशन में मेरा बच्चा नहीं रहेगा। ऐसी भी टेंशन काफ़ी मदर्स को होती है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है हम देखा जाए तो स्कूल में भी अगर साथ में बच्चा बैठता है और अपना बच्चा अगर डल है तो भी मम्मी को टेंशन हो जाती है कि भाई मेरा बच्चा बहुत डल है, ये कैसे कर पाएगा, क्या करेगा। तो आप पहले से ही, मतलब जब बच्चा आने से पहले ही उसको अंदर ही इतना ट्रेन कर देती है कि वो बाहर आके कुछ डिफरेंट हो और अच्छी तरह से, मतलब टैलेंटेड जिसे कह सकते हैं, आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक गर्भ संस्कार एक्सपर्ट हो, और मुझे भी आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे भी कुछ आज नया जानने को मिला। जी। लेकिन एक मदर को ऑलवेज मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप आ रहे हो मेरे ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास, तो एक चीज़ खास ध्यान रखना कि कोई और टेंशन मत लेना, लेकिन उसको क्या जवाब देना है, कैसे देना है, उसके लिए ऑलवेज रेडी रहना, क्योंकि बहुत ही एंथू बच्चे होते हैं। जी और फील कर सकते हो आप उसके वाइब्रेशन जो भी है। ये मेरा अनुभव रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और सेंसिबल बच्चे होते हैं दूसरों की कंपेयर में। वाह क्या बात है, मतलब ये बहुत ही बड़ा काम कर रही है आप, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और एक ये हमारा जो शो है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और आप इतना अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आपने जो कहा था कि आप एक काउंसिलर भी है और रिलेशनशिप पे आप काउंसलिंग करती है, तो किस तरह से वो भी करती है आप? देखिए, रिलेशनशिप तो मल्टीपल्स रहते हैं, जैसे माँ और बच्चे का, हस्बैंड वाइफ, या जॉइंट फैमिली में, या तो फिर स्टूडेंट और टीचर। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप पे मेरा वर्क है, जो मेरे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस लेके और लगता है कि उनको उसकी ज़रूरत है, तो वो सेशन चलते हैं। मेनली हस्बैंड एंड वाइफ है, या फिर मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ के बीच में, और बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके टीचर्स के साथ, या टीनेजर और पेरेंट्स, ये सारे रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें मेरा काउंसलिंग चलता है। जी साथ में आर्ट ऑफ लिविंग में भी अब फैकल्टी है, जिस तरह से आपने बताया कि ये सभी चीज़ जो आप है वो किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। तो आर्ट ऑफ लिविंग में जो आप, जब आप फैकल्टी है, तो वो आप किस तरह से वहाँ पे आप कार्य करती है और क्या मैनेज करती है वहाँ पे? एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग ये कम्प्लीटली 100% NGO है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो ये NGO से जुड़ने के बाद मेरा लाइफ का गोल बहुत चेंज हो गया, और जहाँ जहाँ लगता है, जैसे बात हुई कि किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी को ज़्यादा हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हाईएस्ट लेवल पे है, तो होम्योपैथी तो काम करता ही है, नो डाउट। काफ़ी टाइम मैंने ऐसा महसूस किया है कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा मेडिटेशन की ओर उनको शिफ्ट किया जाए, कुछ ब्रीदिंग प्रोसेस या प्राणायाम ये सब उनको सिखाया जाए, तो उनको लंबे समय तक ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पूरा जीवन कोई भी पर्सन दवाई ले। मैं खुद ऐसा नहीं चाहूँगी कि हर एक मेरा पेशेंट सालों तक, या फिर वो ज़िंदा हो तब तक मेरी ही दवाई ले, ये मुझे पसंद नहीं। तो मैं उनको एक शिफ्ट देती हूँ कि आप इतना मेडिसिन का कुछ टाइम हुआ है, उसके बाद मैं सजेशन देती हूँ कि आप ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लीजिए, तो उनके जीवन में थोड़ा और ऊपर उठने का एक मौका मिलता है, क्योंकि ये व्यक्ति विकास केंद्र है पूरा, तो उनका पूरा व्यक्तित्व ही निखर जाता है, चेंज हो जाता है पॉजिटिव डिरेक्शन में। तो ये मेरा सेवा एक ये भी चलता रहता है साथ में, और मैं कोर्सेज भी लेती हूँ, ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी कोर्सेज होते हैं, तो वो कोर्सेज भी मैं लेती हूँ। सुदर्शन क्रिया सिखाती हूँ लोगों को, उस हिसाब से मैं हेल्प करती हूँ। क्या बात है। तो नीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी तरह से आपने आपके जो पैसन से हो आप जो सोशल काम करती है, साथ में जो गर्भ संस्कार करती है आप, वो तो बहुत ही अमेजिंग है। और मैं चाहूँगी कि हमारी जो महिला दर्शक है, और जिस तरह से हमारे ये शो है विश्व महिला दिन अंतर्गत, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो आप क्या संदेश देंगी हमारी महिलाओं को? आत्मनिर्भर बनो और हमेशा खुश रहो। जी, बहुत ही अच्छी बात है। आपकी स्माइल से
हम भी खुश हो गए क्योंकि आप अच्छी इतनी अच्छी स्माइल करते हैं कि मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। तो वापस एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बट हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारा फेसबुक पेज लाइक करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए विथ बेल आइकॉन, साथ में वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, विजिट करिए। आपको बहुत सारे ऐसे महिलाओं के इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे और साथ में जो क्रिएटिव वर्क है जो इस चैनल के द्वारा एक मार्गदर्शन के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे चैनल के द्वारा होते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और हमारे जो फेसबुक पेज है उसमें आप रेटिंग और फीडबैक भी अपना दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं वापस एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। थैंक यू।